नमस्कार सत श्री अकाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आज 10 दिसंबर के दिन नामपल्ली सेशन कोर्ट में केस नंबर 97/2019 और 99/2019 केस में यहाँ पर डॉक्टर नोहिरा शेख के बेल का एप्लीकेशन आज डाला गया था, लेकिन इस बेल एप्लीकेशन को आज रेडी जज महोदय ने इस बेल को डिसमिस कर दिया है। तो साथियों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिसमिस और रिजेक्ट क्या होता है। वैसे पहले भी एक बार ऐसा रंगारेड्डी के कोर्ट के अंदर एक मामले में ऐसा हो चुका है कि उस मामले में डिसमिस हो गया था, फिर बाद में बेल ग्रांट कर दी गई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिसमिस और रिजेक्ट होता है इसमें बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। जिस मामले में बेल डिसमिस होती है तो डिसमिस में ऐसा होता है कि जज महोदय जब ये बताएंगे, जब उसका जजमेंट की कॉपी आएगी उसमें ये लिखा रहेगा कि आखिर डिसमिस क्यों किया गया है। तो रिजेक्ट और डिसमिस दोनों ही कंडीशनों में कोई भी अभियुक्त, कोई भी वकील ऊपर हाई कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अक्सर डिसमिस वाले मामले में ऐसा होता है कि जिस वजह से केस डिसमिस किया जाता है, समझो कि कोई सवाल उन्होंने पूछ लिया एन मौके पर, या कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया, या कोई जो भी रिक्वायरमेंट वो करते हैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा करके वापस उसी कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और जिस मामले में केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपको फिर उस मामले में एपेक्स कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर वाली कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो साथियों अपने केस में ऐसा हुआ है कि इस केस को डिसमिस हुआ है तो डिसमिस के अंदर जो भी कारण डिसमिस का बताया जाएगा उसको जो आपा की लीगल टीम है उन सारे सवालों का जवाब तैयार करेगी, वो सारी चीज़ें लेके आएगी जो रिक्वायरमेंट होगी, और उनके सामने ये रास्ता पूरी तरीके से खुला है कि वापस उसी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे और इंशाल्लाह इसमें फिर से बेल मिलने की पूरी उम्मीद होगी, जैसे कि रंगारेड्डी कोर्ट में एक बार हो चुका है। और रिजेक्ट वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि डिसमिस वाला मामला है इसके लिए इस कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन दिया जा सकता है और इसके ऊपर हाई कोर्ट में भी जाने का सारा रास्ता खुला हुआ है। तो साथियों उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। कोर्ट का काम एक प्रोसीजर के थ्रू चलता है, उसका एक प्रावधान है, उसका एक संविधान है। तो जब जजमेंट की कॉपी आएगी तो ये पता चलेगा कि केस डिसमिस होने का क्या कारण है, और जो कारण एडवोकेट जज महोदय बताएंगे उस चीज़ को एडवोकेट्स फुलफिल करके वापस इसी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इसके बाद जो SFIO वाला मामला है इसमें मैं जो बात मैंने पहले कहा था मैं अपने उसी बात पर पूरी तरीके से कायम हूँ कि किसी भी वक्त उसका डेट आ सकता है, यानी कोई ये कंफर्म नहीं कर सकता कि वो आज आएगा, कल आएगा कि दो दिन के बाद आएगा। लेकिन जिस तरीके से कि 12 तारीख के बाद अब 10 तारीख हो गया है, यानी लगभग एक महीना पूरा हो चुका है, तो इसमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि जजमेंट की डेट बहुत जल्द आ जाएगी। और जिस तरीके से कि आदरणीय एडवोकेट वकील महोदय सुधाकर रेड्डी जी ने भी अपनी ये बात कही है कि जल्द से कोई डेट कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द से जल्द उसकी डेट आने की पूरी उम्मीद है। तो हमें तो संविधान पर भरोसा करना होगा, कानून पर भरोसा करना होगा, उसके बाद फिर ऊपर वाले पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब साथियों कोई भी मामला ऑनरेबल कोर्ट में होता है तब कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का डिसीजन ही सर्वमान्य होता है, उसका दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। यही वजह होती है कि हमें कानून की बात को सर आंखों पर रखना पड़ता है और देश के कानून को मानना होता है। तो ये जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, ये अंदाज़ा पूरी तरीके से गलत है और पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इस मामले का जजमेंट बहुत जल्द से जल्द आने की पूरी संभावना है और इंशाल्लाह डेट जल्द से जल्द मुकर्रर होने की पूरी संभावना है। और
मैं आज भी जो बात मैंने पहले कही थी मैं अपने उसी बात पे पूरी तरीके से कायम हूँ, क्योंकि मैं ऐसे हजारों मामले कोर्ट का हमेशा देखते रहता हूँ और उसी आधार पर, उसी भरोसे के हिसाब से, उसी अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि जैसे ही स्टेट की मुकर्रर होगी, जैसे ही ये पता चलेगा, मातृभूमि टीवी के माध्यम से मैं आपको तुरंत बताऊँगा। और साथियों, ये डिसमिस वाला मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। जैसे ही डिसमिस वाले मैटर का रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत एडवोकेट्स वो सारे सवालों का जवाब लेकर वापस कोर्ट में हाजिर होंगे, उन सारे सवाल का जवाब देंगे और इंशाल्लाह जैसे 139/2019 में बेल ग्रांट हुई है, उसी तरीके से इन सारे मामलों को भी लीगल टीम पूरी तरीके से फेस करेगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको मातृभूमि टीवी के माध्यम से तुरंत बताऊंगा। तो साथ ही मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।